पैलेस uh, का भी सहयोग था पॉलिटिकल uh, पार्टीज hmm. uh, का भी काफ़ी मदद मिला इंटेलिजेंस एजेंसीज का अच्छा कोऑपरेशन था तो पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया बुरी तरीके से और उनके डिप्लोमेट्स डिपोर्ट हो गए uh, एक वक्त आए जब दाऊद इब्राहिम uh, uh, कब्जे में आने वाला था लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि किसी ने लीक कर लिया वो खबर उसमें दरबार मदद कर रहा था हमारा तो पाकिस्तान और ये सारा जो स्मगलिंग इंडस्ट्री स्मगलिंग इंडस्ट्री तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल के ज़माने में भी ये माफिया नेक्सस वग़ैरह जब फैलता है तो सरकार वगैरह जो है वो पॉपिट बन जाते हैं उनके वो, वो नेक्सस उनको मैनिपुलेट करना शुरू करता है तो वही स्थिति बन रहा था वहाँ पे ये नेक्सस बहुत ही पावरफुल बन गया था नक्सेस बिल्कुल खुश नहीं था नेपाल का जो हिंदू आइडेंटिटी था आ, क्योंकि वो चाहता था कि बॉर्डर के साथ साथ बॉर्डर के साथ जो आ, मस्जिद है मदरसा वग़ैरह है उस उसका उसका इस्तेमाल किया जाए और ओपन बॉर्डर का दुरुपयोग किया जाए लेकिन आ, ये मनार वो मोनाकी के भी खिलाफ थे हिंदू आइडेंटिटी के भी खिलाफ थे और भारत के भी खिलाफ थे तो उनके मन में ये था कि किसी न किसी तरीके से भारत और नेपाल के बीच में सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किया जाए वो चाहते थे कि माओवादी के साथ क्योंकि माओवादी भी भारत के खिलाफ काफ़ी चीज़ कह रहा था पैलेस के खिलाफ कह रहा था डेमोक्रेसी के खिलाफ कह रहा था तो वो उन्होंने शुरू कर लिया था पहले hmm. कांटेक्ट आई एस वगैरह के साथ मेरे ख़्याल से ये हाईजैकिंग जो हुआ ये काफ़ी डिलिब्रेट चीज़ था उसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व थे पाकिस्तानी नागरिकों इन्वॉल्व थे आ, ये किसी न एक तरीके से आई सी एट वन फोर में आ, फेक पासपोर्ट भारतीय पासपोर्ट लेके इन्होंने बोर्ड किया और हाईजैकिंग कर लिया और उसका किस्सा तो अलग किस्सा हम लोगों ने कोशिश किया इसके बारे में बातचीत करने के लिए आ, लेकिन इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत और नेपाल के बीच में सीरियस मिसान्डरस्टैंडिंग पैदा होना चाहिए और मोनार्की के ख़िलाफ़ भी एक तरीके से शुरुआत करना चाहिए हिंदू आइडेंटिटी के ख़िलाफ़ भी आ, और उसके बाद कई इंसिडेंट्स हुए जिसके बारे में हम लोगों ने किताब में जिक्र किया है